दोस्तों, भले ही वर्तमान में कलर्स टीवी पर शक्ति अस्तित्व के एहसास की का दूसरा सीजन प्रसारित हो रहा है, लेकिन आज भी दर्शक पहले वाली सौम्या के किरदार को ही पसंद करते हैं। और भला पसंद भी क्यों ना करें, क्योंकि इन्होंने एक किन्नर के डिफिकल्ट किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर जो उतारा है, जिसे शायद ही कोई अभिनेत्री इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतार पाती। लेकिन दोस्तों, आप सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में किन्नर सौम्या का डिफिकल्ट किरदार निभाने वाली अभिनेत्री के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप उनके सासू माँ के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन्हीं सब बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ उस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही इस खूबसूरत अभिनेत्री के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में किन्नर की भूमिका निभा चुकी अभिनेत्री सौम्या का असली नाम रूबिका दिलायक है, जिनका जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला में हुआ था। इसीलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं पर कंप्लीट हुई, और पढ़ाई कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही इन्होंने मुंबई का रुख कर लिया, जिसके चलते इन्होंने साल 2008 में आए सीरियल छोटी बहू से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्हें ससुराल सिमर का और जिनी और जूजू जैसे कई सीरियल्स में अभिनय करते हुए भी देखा गया, और इसी के चलते इन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा है। इन्हें हाल ही में शक्ति अस्तित्व के एहसास की में सौम्या का किरदार निभाते हुए देखा गया था। लेकिन बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री की सासू माँ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला के साथ साल 2018 में घर बसाया था, तो इसी नाते अभिनव शुक्ला की माँ राधा शुक्ला इनकी सासू माँ हुई, जो कि प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन है, और बिजी शेड्यूल की वजह से उन्हें लाइमलाइट में बेहद कम ही स्पॉट किया जाता है। बता दें कि भले ही ये सास बहू अपने बिजी शेड्यूल के होने के चलते एक दूसरे से मिल ना पाती हों, लेकिन दोनों एक दूसरे का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखती हैं। जहां शूटिंग के सेट पर बार बार रूबिना कॉल करके अपनी सासू माँ के बारे में पूछती हैं कि उन्होंने अपना लंच किया, तो वहीं उनकी सासू माँ भी अपना क्वालिटी टाइम निकाल कर अपनी बहू का हालचाल पूछ ही लेती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि दोनों सासू माँ और बहू एक दूसरे का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखती हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको रूबिना दिलायक की सासू माँ का बिहेवियर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार और चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।